अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्क बैठो टीवी। दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली अब दूर नहीं, इन दोनों ही वाक्यों के बीच का फासला 82 किलोमीटर है। बेहद थकाऊ और उबाऊ इस 82 किलोमीटर के फासले को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ने महज 45 मिनट में समेट दिया है। पहले मेरठ से दिल्ली का सफर 2.5 से 3 घंटे में पूरा होता था, लेकिन अब यह गुजरे जमाने की बात हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेहद महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का यूं तो अभी विधिवत शुभारंभ नहीं हो पाया है, लेकिन होली के मौके पर जाम से जूझ रही जनता ने वाहन उतारकर इसका शुभारंभ कर दिया। अब इसके बाद विधिवत शुभारंभ होता रहेगा। एक्सप्रेसवे के पूर्णतः चालू होने का लाभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा। अभी तक बेहद उबाऊ व थकाऊ यह सफर अब रोमांचक व किफायती हो गया है। जाहिर बात है, मेरठ को इसकी सौगात देने का श्रेय सरकार के साथ ही भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल को जाता है। इन प्रयासों के चलते यह एक्सप्रेसवे सफर के दौरान यादगार पल संजोकर लाएगा। आज इस बारे में सांसद राजेंद्र अग्रवाल से फर्स्ट बाइट ने बात की। पेश है सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हुई बातचीत के कुछ अंश। 5 चरण थे। पहला चरण था ये जो सराय कालेखा से लेकर के यूपी में था, जो सबसे पहले तैयार हुआ। हालांकि उसमें भी बड़ा अच्छा खूबसूरती ये है कि एक दिन के लिए भी ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया और स्ट्रक्चर्ड मतलब पहले से जो कंस्ट्रक्टेड चीज है विदाउट डिस्टर्बिंग द डिस्टर्ब तो चलो हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बिल्कुल ब्लॉक किए बगैर काम करना बड़ा उसका बड़े इंजीनियरिंग का भी है, प्लानिंग का भी है। एनीवे पहला चरण उधर। दूसरा चरण था यूपी गेट से डासनाथा। तीसरा चरण था डासना से हापुड़ तक। वो देखा जाए तो डायरेक्टली मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे का वो हिस्सा नहीं है, पर था उसी के अंदर वो शामिल। और चौथा चरण था ये डासना से मोहिद्दीनपुर तक। और पांचवा चरण है जैनुद्दीनपुर से हापुड़ तक। 5 चरण का ये पूरा प्रोजेक्ट था। पहले का लोकार्पण हो गया, खुद मान्य प्रधानमंत्री जी ने किया। तीसरे का लोकार्पण हो गया पिलखुआ में, माननीय गडकरी जी ने किया। चौथा ये पूरा हो गया, ये चाहे जब हो सकता है आचार संहिता की मर्यादा समाप्त होने के पश्चात। दूसरा जो चरण है जो यूपी गेट से डासना तक है, उसमें अभी भी प्रॉब्लम है। चिपियाना कला शहर उसका नाम स्टेशन का जो ABES के पास है, उसमें कुछ जो आरओबी बन रहा है उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया गया। उसमें माननीय गडकरी से हमने निवेदन किया, उन्होंने पीयूजी से बातचीत की, जो भी है। अब वो जो फ्लाईओवर है या आरओबी है उसको बनने में अभी 2 महीने और लगे और उसका थोड़ा और भी समय लग जाए। अच्छा, हालांकि और प्रधानमंत्री तो एक हर महीने बैठक लेते हैं प्रगति के नाम से, और उसके अंदर वो विभिन्न विभागों के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करते हैं। हर बार हर प्रोजेक्ट की नहीं करते, वे कुछ मंत्रालयों की इस बार करी, कुछ की अगली बार करी, कुछ अगली बार करी, हर महीने करते हैं। शायद 24 तारीख देखते हैं मतलब वैसे नहीं कर रहा, पूरे देश के अंदर ही सड़कें बहुत बनी हैं और भी काम बहुत है। पर साहब मेरठ को तो भरपूर झोली भर कर दे दिया है। इस वक्त मेरठ से जाने वाली कोई भी रोड सारी रोड जो है निजी हाईवे। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।